रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वृक्ष को राखी बांधी, साथ ही साथ प्रदेशवासियों को ये संदेश दिया कि जैसे भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करते हैं, हमें भी वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। आप नीतीश कुमार के पूरे बयान को सुनिए। रक्षाबंधन है, इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई है। पहले की 2012 से हम लोगों ने बिहार में वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। जैसे सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं भाई, उसी तरह से हम सब लोगों को वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ 2012 से ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी कि आज के दिन वृक्ष रक्षा दिवस मनाना चाहिए, और उसी सिलसिले में हम लोग आकर के ये काम करते हैं जो आप लोग हर बार देखते हैं। तो इस अवसर पर एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों को एक तो वृक्षारोपण करना है और उसकी रक्षा करनी, सुरक्षित रखना, ताकि जितना ज़्यादा पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी, ये सबको पता है। इसलिए आप जानते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा वृक्षारोपण करते हैं, शुरू से ही क्या काम किया। आप तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कर रहे हैं, तो सब तरह से ये काम करके एक माहौल अच्छा बनना चाहिए, हरियाली का माहौल बनना चाहिए, और ये सबके हित में होगा। और नई पीढ़ी को इसके बारे में पूरे तौर पर जो समझ हो रही है, उसके चलते आगे का दिन और सुरक्षित रहे। कल्याण हो गया, अरे उसके उनके से तो हम लोगों का पहले का ही संबंध रहा। उनके निधन पर कल ही जब सूचना मिली है तो हमने अपना शोक संदेश प्रकट किया। उनकी तबीयत इधर बार बार खबर आ रही थी तबीयत के बारे में लेकर के, लेकिन अब वो चले गए, ये दुख की घड़ी है। उनके प्रति तो हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते। कई लोग तो जा चुके, पहुंच गए, तो कुल 11 लोगों को मिलना है ना, मेरे साथ 10 और, तो उसमें कई लोग तो दिल्ली पहुंच गए, कुछ लोग आज चले जाएंगे और कल 11 बजे ही मिलना है, मिलेंगे सब लोग एक साथ मिलेंगे। बात बन जाएगी, अब देखिए कल क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण मुद्दा है, और बराबर हम लोग ये कहते रहे हैं ये हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई बिहार में ये सोचे, ये पूरे देश में सब जगह लोग इसको सोचते हैं। इसको एक बार कम से कम जरूर करना चाहिए, हम लोगों की राय है, और इसी दृष्टिकोण से मिल करके हम लोग अपनी भावना रखेंगे। संजय जयसवाल ने कहा कि तकनीकी रूप से दिक्कत हो सकती है। गौरतलब हो कि इस दौरान जब मीडिया वालों ने जातिगत जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया, तो एक बार फिर से उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जाति आधार पर जनगणना होनी ही चाहिए। गौरतलब हो कि कल यानी 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। इस दौरान उनके साथ 11 दल के और नेता मौजूद होंगे। बहरहाल सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि 23 अगस्त को होने वाली इस मुलाकात में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इतना ही, आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।